हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रोफेसर आदित्य किदारी। आज हम अबेटमेंट के बारे में बात करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्रिलिमिनरी क्राइम्स, या इसको इनकम्प्लीट क्राइम्स भी कहा जाता है, और अबेटमेंट को इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 107 में डिफाइन किया गया अंडर चैप्टर 5। तो ये क्या है सेक्शन 107, ये अबेटमेंट क्या होता है? तो तीन डिमेंशंस होते हैं अबेटमेंट को। पहला डिमेंशन इज इंसाइटमेंट। आप किसी को अगर भड़काते हो कि आप जाके किसी का खून कर दो, और उसने जाके खून कर दिया, आपने खून नहीं किया, आपने सिर्फ भड़काया उसे, फिर भी यू आर क्रिमिनली लायबल फॉर मर्डर। ठीक है, तो एक तो हो गया इंस्टिगेशन, जहाँ पे आप लोगों को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो कि जाके आप क्राइम कमिट कर दो, चोरी कर दो, मर्डर कर दो। सो दैट इज़ वन डायमेंशन ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब बेसिकली किसी को अर्ज करना, किसी को मदद करना। उसमें का एक डिमेंशन जो है, जो सेक्शन 107 में बताया गया है, वो है इंस्टिगेशन। मतलब किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, किसी को प्रॉम्प्ट करना, किसी को प्रोवोक करना, जिससे जाके वो क्राइम कमिट करता है। दूसरा डिमेंशन जो है अबेटमेंट का, वो है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में मतलब आप किसी और के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हो, साजिश रचते हो किसी का खून करने के लिए, चोरी करने के लिए, टेररिस्ट अटैक करने के लिए, और उस साजिश के तहत आप कोई एक्ट परफॉर्म करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ऐसा प्लान किया कि आप किसी अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी को जहर दे के मार दोगे, तो आपके दोस्त ने मार्केट में से ला के जहर लाया, लेकिन आपने जहर दिया नहीं है अब तक उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसको मारा भी नहीं है, फिर भी आपने सिर्फ जहर खरीद के लाया, आपने कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश रची कि इसको खून करना, और पता चल गया पुलिस को, और को पता चल गया कि आप इनको मारना चाहते हो, आपकी जहर की शीशी भी मिल गई, तो अंडर सेक्शन 107 आपको सज़ा हो सकती है। क्राइम नहीं कमिट हुई यहाँ पे क्राइम कमिट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश भी अगर आप परफॉर्म करते हो, देन ऑल्सो आप लायबल ठहराएंगे। पर लेकिन आपने सिर्फ साजिश की, आपने यू नो यू हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया, तो फिर भी आप लायबल हैं अंडर सेक्शन 120A, जो होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। पर वहाँ पे कोई आप एक्ट परफॉर्म नहीं किया, आपने सिर्फ बोला कि जहर देना है, लेकिन आपने जहर नहीं लाया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन प्लानिंग चल रही है कि ऐसा करेंगे। ठीक है, वो एक बात होगी। तीसरा डायमेंशन जो है वो है एड करना, मतलब मदद करना, सहायता, कि भाई किसी को नाइफ दे देना, किसी को गन दे देना, किसी को पॉइजन ला के देना, किसी को यू नो एक तरीके से पैसे देना, ताकि वो क्राइम कमिट करने में उसको सहायता मिले। तो अबेटमेंट सेक्शन 107 के तीन डायमेंशंस हैं। फर्स्ट डायमेंशन इंस्टिगेशन, सेकेंड कॉन्स्पिरेसी, थर्ड एड, सहायता। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी 120A से अलग है, यहाँ पे यू हैव टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ योर कॉन्स्पिरेसी। 120A में कोई भी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्रीमेंट भी है, कुछ हुआ नहीं है, फिर भी यू आर लायबल। ठीक है, सो दिस इज़ अ इनकम्प्लीट क्राइम, जहाँ पे मेंस रिया है, मतलब गिल्टी माइंड है, लेकिन कोई एक्ट परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, डज नॉट मैटर। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सो आप की माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।